नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार पांडे और आज हम बात करेंगे एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। एंशियंट हिस्ट्री में जो कि सभी एग्जाम में आपको सहायता करेगा, चाहे वो यूपीएससी का, आईएएस आईएफएस का जो एग्जाम होने वाला है प्री का, उसमें भी आपको सहायता करेगा। एसएससी का एग्जाम हुआ या रेलवे एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, उसमें भी हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आएंगे एंशियंट हिस्ट्री के, वो इसमें से ही आएंगे। ठीक है, तो हम उसी पार्ट को लेकर चलेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हम सिर्फ उसी पार्ट को कवर करेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं जहां से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, कोई भी ऐसा पार्ट छूटेगा नहीं। ठीक है, वीडियो शॉर्ट में करने के लिए मैंने सिर्फ उसी पार्ट को बताया हुआ है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो इस सभ्यता के प्रथम अवशेष जो हैं हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए थे, और कार्बन डेटिंग पद्धति जो है, जो कि सबसे आधुनिक पद्धति मानी जाती है कार्बन डेटिंग पद्धति, इसके द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक है, और यह सबसे आधुनिक पद्धति मानी जाती है कार्बन डेटिंग पद्धति। बिफोर क्राइस्ट उसे माना जाता है फ्रेंड्स, जो जो क्राइस्ट थे, जीसस क्राइस्ट, उनके जन्म से पहले। ठीक है, जो कि ईसाइयों के जो भगवान माने जाते हैं। ठीक है, एक तरह से ईश्वर माने जाते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय क्रांति माना गया है। ठीक है, ये नगरीय सभ्यता भी थी। ठीक है, और इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की ही खोज हुई थी इस स्थल से। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से जो अवशेष मिले थे हड़प्पा नामक स्थल से ही प्राप्त हुए थे, इसीलिए यहाँ इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया था, सबसे पहली बात तो ये। और हड़प्पा सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप मतलब क्या, भारत और साथ ही साथ भारत के आस पड़ोस के जितने भी देश हैं, जैसे अफगानिस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ, ठीक है, ये सभी देश जो हैं ये सब भारतीय उपमहाद्वीप में आएंगे। ठीक है, कि प्रथम नगरीय क्रांति माना गया है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता एलेक्जेंडर कनिंगम को मानते हैं। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता एलेक्जेंडर कनिंगम को मानते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यूपीपीएससी में, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। ठीक है, और साथ ही साथ आईएएस आईएएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया 2012 के शायद। ठीक है, कंफर्म नहीं है लेकिन एक बार पूछा गया था, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, प्री के एग्जाम में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय वायसराय लॉर्ड कर्जन को प्राप्त है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किन्होंने किया था, तो वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड्स कि हड़प्पा सभ्यता में लोहे का ज्ञान इन लोगों को नहीं था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में इन लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, इन लोगों को सिर्फ तांबे और कांसे का ज्ञान था, और इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स इसके सीमाओं की, हड़प्पा सभ्यता की जो सीमाएं हैं, तो उत्तरी सीमा जो है जम्मू कश्मीर में मांडा में पड़ेगा। ठीक है, सबसे उत्तरी सीमा जो है वो मांडा में पड़ेगा, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, पश्चिमी सीमा आप लोग देख पा रहे होंगे सुतकांडेंगोर में पड़ेगा, बलूचिस्तान में। ठीक है, सुतकांडेंगोर में, और आलमगीरपुर जो मेरठ में है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आलमगीरपुर पूर्वी सीमा है, सबसे पूर्वी सीमा कौन सी है, आलमगीरपुर। ठीक है, और दैमाबाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, ठीक है, महाराष्ट्र में। ठीक है, दक्षिणी सीमा। ठीक है, और नदियों के किनारे बसे जो हड़प्पा कालीन नगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस नदी के किनारे कौन सा नगर बसा था, हड़प्पा कालीन नगर नदियों किनारे बसे हुए पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा पूछता है, या फिर इसको सुमेलित करने को भी आता है कि सुमेलित कीजिए, चार विकल्प दे देगा और उसको मिलाना रहेगा कि इस नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ था। ठीक है, तो जैसे हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। आगे अगर बात करें हम, तो कालीबंगा जो है घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ था, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो मेरठ में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, जो कि सबसे पूर्वी सीमा भी था हड़प्पा सभ्यता का, वो हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, और सुतकांडेर डोर
वो डास्क नदी के किनारे, जो कि सबसे पश्चिमी सीमा था, ठीक है। कुराल जो है वो सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था, सरस्वती नदी जो कि अब विलुप्त तो हो चुकी है, ठीक है। बनावली जो है उस सरस्वती नदी के किनारे ये भी बसा हुआ था, बनावली, ये भी इंपॉर्टेंट है। चन्हुदड़ो इस सरस्वती सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। चन्हुदड़ो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बिंदी और चूड़ी और मतलब ऐसे श्रृंगार के सामान मिले थे यहाँ पर खुदाई से, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चन्हुदड़ो, ठीक है। ये कहाँ है, सिंधु नदी के किनारे ये प्राप्त हुआ, मतलब बसे हुए थे हड़प्पा कालीन नगर कुछ, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बहुत बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, इसको आप बहुत बार पढ़ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हड़प्पा कालीन स्थल और इसके खोजकर्ता जान लेते हैं, ठीक है। मतलब इसका उत्खनन किन्होंने किया था, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो की, ठीक है। मोहनजोदड़ो का जो खोज किया था राखालदास बनर्जी ने किया था, ठीक है। राखालदास बनर्जी ने किया था और मार्टिमर व्हीलर ने भी किया था, ठीक है। और हड़प्पा, हड़प्पा का खोज सबसे पहले हुआ था, इसकी खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था और माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर ने किया था, ठीक है। चन्नूदड़ो की अगर बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चन्नूदड़ो। चन्नूदड़ो जो है वो गोपाल मंजुमदार ने और अर्नेस्ट मैके ने किया था, ठीक है। लोथल जो कि एक बंदरगाह भी था, ठीक है, लोथल गुजरात के साइड में पड़ता है, ये रंगनाथ राव ने किया था, ठीक है। याद हो गया आप लोगों को, लोथल जो है इसकी खोजकर्ता कौन थे, रंगनाथ राव, ठीक है। बहुत बार आप लोग अगर देखेंगे याद हो जाएगा, और याद करना ही है फ्रेंड्स, याद नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन जरूर छूट जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। लोथल जो है इसकी खोज जो है रंगनाथ राव ने किया था। कालीबंगा, कालीबंगा जो है अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल ने किया था, ठीक है। बनावली, बनावली जो है रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। और सुतकोंडे डोर ने, सुतकोंडोर जो है उस सर मार्क आर्य स्टाइन ने किया था। बहुत ही मतलब कठिन वर्ड है, मैं भी सही से बोल नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन ये आप लोग देख लीजिएगा। और इसकी खोज जो थी वो सर मार्क आर्य स्टाइन ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसकी नगर विन्यास पद्धति के बारे में चलिए बात करते हैं। नगर विन्यास पद्धति, यह जाल पद्धति पर आधारित था, ग्रिड ग्रिड सिस्टम जो होता है उस पर आधारित था। जाल पद्धति क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए इसमें नगर में आयताकार और वर्गाकार चौड़ी गलियां होती थी, ठीक है, जो एक दूसरे को समकोण में काटती थी। इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि जैसे किनारे, जैसे लाइन में पूरे घर बने होते थे, ठीक है, सड़क जो होते थे समकोण पर काटते थे, पूरा नगरीय व्यवस्था थी, ठीक है। आज के टाइम में भी इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो नगर विन्यास पद्धति कैसी थी, जाल पद्धति ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी, ठीक है। और नगर में आयताकार या वर्गाकार चौड़ी गलियां होती थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। वास्तुकला की अगर बात करें फ्रेंड्स, वास्तुकला भी पूछता है इससे संबंधित, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो आईएएस जो प्री का एग्जाम होता है फ्रेंड्स, आईएएस या आईएफएस का भी, ठीक है, यूपीएससी का कोई भी अगर, ठीक है, खासकर इन दोनों में, तो वास्तुकला मतलब संस्कृत कला और संस्कृति का कम से कम 20-25 क्वेश्चन पूछता है प्री के, ठीक है, प्री में और मेंस में भी पूछता है। तो वास्तुकला जानना बहुत ही आवश्यक है। तो भारत में वास्तुकला का प्रारंभ सिंधु वासियों ने ही किया था, ठीक है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। भारत में वास्तुकला का प्रारंभ सिंधु वासियों ने किया था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, यह भी इम्पोर्टेंट है, नगरीय सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है, समकोण पर काटती थी। भवन दो मंजिला भी थे, ठीक है, भवन दो मंजिला थे, दरवाजे सड़कों पर खुलते थे, जैसे आजकल जो शहरों में घर बनते हैं, ठीक है, वो कहाँ पर खुलते हैं, सड़कों पर, ठीक है, तो वैसे ही दरवाजे जो होते थे सड़कों पर खुलते थे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो थी वो कौन थी, अन्नागार, ठीक है, अन्नागार थी। अन्नागार क्या होता था फ्रेंड, उसमें क्या होते थे, जो कृषि करते थे लोग, तो अनाज जो उगता था खाने के लिए अपना खाते थे, जो बच जाता था उसमें रखने के लिए होता था, ठीक है। तो अन्नागार था, वो सबसे बड़ी इमारत थी। फर्श जो होता था कच्चा होता था,
केवल कालीबंगा में जो है, कालीबंगा एक जगह है, ठीक है। अभी मैंने बताया भी था कालीबंगा का खोज किसने किया था, ठीक है, पीछे वीडियो करके आप देख सकते हैं। कालीबंगा में पक्के फर्श के साक्ष्य मिले हैं। तो यह पूछता है कि कहाँ पर जो है पक्के फर्श के साक्ष्य मिले हैं, तो कालीबंगा में, ठीक है। चलिए कृषि की अगर बात करें हम लोग, तो कृषि जो है विश्व में कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु वासियों ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कपास का ऐसे क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने उठाया हुआ है, ठीक है। अगर इतना आप लोगों ने याद कर लिया, ठीक है, यहीं से सभी क्वेश्चन यहीं से ही बनेंगे और कहीं से आएगा ही नहीं, ठीक है। तो विश्व में कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु वासियों ने किया था, और सिंधु वासी जो थे चावल, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लोथल से, गुजरात में ये जगह है, ठीक है। तो सिंधु वासी जो थे चावल, बाजरा, बाजरा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, लोथल और सौराष्ट्र से, ठीक है। रागी, सरसों, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से, का उत्पादन करते थे। साक्ष्य भी पूछता है कि इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो चावल के साक्ष्य जो हैं लोथल से मिला है, बाजरा के साक्ष्य जो हैं लोथल और सौराष्ट्र से मिला है, रागी जो सरसों है उसका साक्ष्य कालीबंगा से मिला है, ठीक है। इन सब का उत्पादन करते थे। सबसे बड़ी बात आप लोगों को ये ध्यान देना है, कपास का सर्वप्रथम उत्पादन जो है सिंधु वासियों ने किया था, ठीक है। सिंधु वासी जो थे हल से परिचित थे, ठीक है, क्योंकि बनावली में जो कृषि होती थी हल के द्वारा होती थी। लेकिन मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि जो सिंधु वासी थे वो लोहे से तो परिचित थे नहीं, तो अब हल जो होता था उसमें लोहा नहीं लगा होता तो होगा, ठीक है, लकड़ी उकड़ी लगा होता होगा, ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे अभी, ठीक है। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। गन्ना का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो गन्ना का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि सिंधु वासी जो थे हल से परिचित थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पशुपालन चलिए देखते हैं। पशुपालन, सिंधु वासी जो थे हाथी व घोड़े से परिचित थे, ठीक है। पहले एक बार यूपीएससी का जो प्री का एग्जाम हुआ था, ठीक है, अभी लास्ट 2014 या 16 में, ठीक है, उसमें घोड़े से क्वेश्चन आया था, तो पहले ये लोग नहीं जानते थे कि घोड़े से परिचित थे। लेकिन अभी लास्ट में क्या हुआ, गुजरात के आसपास सूतकोटड़ा नामक स्थान है, वहां पर अस्थि पंजर प्राप्त हुए, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि घोड़े से परिचित थे। तो शुरू में ऐसा माना जाता था कि इस जो सिंधु वासी थे ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन अब जो है घोड़े के साक्ष्य मिल चुके हैं। तो अब अगर यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आए कि क्या सिंधु वासी घोड़े से परिचित थे, तो अब आप लोग कहेंगे हाँ, ठीक है, और ऐसा यूपीएससी भी मानता है कि ये लोग घोड़े से परिचित हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि अब साक्ष्य मिल चुके हैं, ठीक है, अभी जल्दी खुदाई हुई तो अब ये लोग घोड़े से परिचित थे, ऐसा माना जाता है, क्योंकि अब अस्थि पंजर प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। तो सिंधु वासी जो थे हाथी व घोड़े से परिचित थे, किंतु उन्हें पालतू बनाने में असफल रहे, लेकिन उन्हें पालतू नहीं बनाया था, ठीक है। घोड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला, सुतकोदड़ा से, ठीक है, अस्थि पंजर प्राप्त हुए। सुतकुदरा कहाँ है, ये गुजरात के आसपास है। सिंधु वासियों को गैंडा, बंदर, भालू, खरहा आदि जंगली जानवरों का ज्ञान था, ठीक है, कौन कौन से, गैंडा, बंदर, भालू, खरहा, ठीक है, इन सब जानवरों का ज्ञान था। शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन रहा होगा, ठीक है, बाद में खुदाई होती रहती है, बाद में पता चलेगा, जैसे घोड़े का भी पहले नहीं पता था लेकिन खुदाई हुआ बाद में पता चला, ऐसे ही खुदाई होती रहती। अभी तो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनकी अभी खुदाई हुई ही नहीं, फिर अभी भी खुदाई चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं व्यापार एवं वाणिज्य की, ठीक है। चलिए, व्यापार और वाणिज्य कैसा था, सिंधु सभ्यता में मुद्रा का प्रचलन नहीं था, मतलब ये लोग कैसे व्यापार करते थे, पैसे देकर या सिक्के देकर के ऐसा नहीं करते थे, ठीक है। ये लोग क्रय विक्रय कैसे करते थे, वस्तु विनिमय पर आधारित था, मतलब अपना कोई भी सामान दे करके उन लोगों से कोई सामान ले लेते थे, ऐसा करते थे व्यापार, ठीक है, मतलब वस्तुओं के अदला बदली से, ठीक है। कोई हमारे पास ऐसा सामान है जो हम किसी और को दे करके उसका सामान हमको पसंद आया तो ले सकते हैं, ऐसा, क्योंकि उस समय सिक्कों का प्रचलन नहीं था, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता में मुद्रा का प्रचलन नहीं था, ठीक है, और वस्तु क्रय विक्रय जो है वो वस्तु विनिमय पर आधारित था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में क्या कैसी
जो व्यापार होता था वो किस पर आधारित था, तो क्रय विक्रय जो था वो वस्तु विनिमय पर आधारित था। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग जो थे अन्य सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार करते थे। अन्य सभ्यता कौन कौन सी थी उस समय? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ठीक है, मेसोपोटामिया उस समय की सभ्यता थी, बहुत ही अच्छी विकसित सभ्यता। ठीक है, ईरान की, ईरान की। चलिए आगे बात करते हैं। तो इन लोगों के साथ व्यापार करते थे, प्रमुख आयातित वस्तुएं कौन कौन सी थी जो ये लोग आयात करते थे? आयात करते मतलब खरीदते थे। ठीक है, टीन का ये लोग आयात करते थे, कहाँ से? तो अफगानिस्तान और ईरान से। ठीक है, तांबा का आयात करते थे खेतड़ी से, राजस्थान से। चांदी का आयात करते थे अफगानिस्तान और ईरान से। सोने का आयात करते थे कहाँ से? अफगानिस्तान और दक्षिणी भारत से, दक्षिण भारत से। सीसा का ये लोग ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से। ठीक है, लाजवर्द ये मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से करते थे। ठीक है, मेसोपोटामिया मतलब इराक। ठीक है, इराक बहुत ही विकसित सभ्यता ये भी थी फ्रेंड्स, मेसोपोटामिया। ठीक है, और उस समय व्यांगहो घाटी के आसपास चीन में भी सभ्यता थी, लेकिन उसके साथ भी ये लोग व्यापार करते थे। ठीक है, चलिए, संभवतः हड़प्पा सभ्यता में शिल्पियों एवं व्यापारियों का शासन था। ठीक है, संभवतः ये अभी साक्ष्य नहीं मिले। क्यों फ्रेंड्स हम लोग संभवतः क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस सभ्यता के लोगों की जो लिपि थी उसको अभी पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, इसीलिए हम लोग अभी संभवतः कह रहे हैं। इस सभ्यता का जो लिपि था उसको अभी पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इस जो इतिहास है, यहाँ का जो इतिहास है उसको अभी पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, चलिए, इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं हम लोग। ठीक है, जो हड़प्पा से बताया उसको आद्य ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। ठीक है, इसको ऐतिहासिक काल में हम लोग नहीं रखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके जो लिखा उखा गया है, इसमें क्या लिखा गया है, चित्रात्मक शैली है ऐसा माना जाता है। इस चित्रों के द्वारा अपने भाव को प्रकट करते थे, और इसको पढ़ा भी नहीं जा सके अभी तक। ठीक है, तो जब पढ़ लिया जाएगा तो जो लोग ये लिखे हैं उसको हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है। चलिए, धर्म जो था इन लोगों का, मंदिर का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। हड़प्पा सभ्यता से मंदिर का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। मोहनजोदड़ो की एक मोहर से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की एक मोहर से, मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई 1921 में। उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखालदास बनर्जी ने 1922 में की। तो मोहनजोदड़ो की जो है वहां से एक मोहर से स्वास्तिक चिन्ह का प्राप्त हुआ, स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है, जो हम लोग दिवाली वाली में बनाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से कुबड़ वाले सांड की मूर्ति पूजा होती थी, कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी। ये पूछता है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पूछता है बार बार कि मुख्य रूप से किसकी पूजा होती थी हड़प्पा सभ्यता में? तो कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा के साक्ष्य भी मिले हैं, और पीपल एवं बबूल की पूजा होती थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता में प्रेतवाद, भक्ति और पुनर्जन्मवाद के बीज मिलते हैं। ठीक है, ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, भक्ति करते थे, प्रेतवाद में विश्वास रखते थे, ये सब के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चलिए चलिए, अंत्येष्टि के प्रकार देख लीजिए। अंत्येष्टि मतलब कि कोई अगर मर गया, ठीक है, तो उसको क्या दफनाना है कि क्या करना है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अंत्येष्टि कैसे होती थी? तो हड़प्पा सभ्यता में अंत्येष्टि जो है तीन प्रकार की होती थी, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। ठीक है, अभी भी जो होता है हिंदुओं में अलग तरह का होता है, उसको जला दिया जाता है। मुस्लिमों क्या करते हैं, उसको जमीन खोद करके दफना दिया जाता है। ठीक है, ईसाइयों में भी कुछ अलग तरीके का होता है। ठीक है, तो चलिए, इसमें अलग तीन तरह के होती थी। लोथल से जो है युग्म समाधान का साक्ष्य मिला है, लोथल जो बंदरगाह था, ठीक है, गुजरात के पास। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है लोथल। जो विज्ञान है इसको सती प्रथा के रूप में देखते हैं। युग्म समाधान मतलब जोड़े के साथ दफना देना। ठीक है, कि अगर कोई मर गया इंसान तो उसके साथ जो है उसकी पत्नी को भी दफना देना। ठीक है, तो जोड़े का वो दफनाया हुआ मिला है साक्ष्य, तो इसको कुछ लोग मानते हैं कि सती प्रथा का ही एक रूप है। ठीक है, कि मतलब
अगर कोई इंसान मर गया तो उसके साथ साथ उसकी पत्नी को भी दफना दिया गया है, ठीक है। तो इसको विज्ञान जो है इसको सती प्रथा के रूप में देखता है, एक तरह से सही भी है, ठीक है। और कहीं इसका रूप नहीं मिला है, बस लोथल के पास जो है युग्म सवाधान का साक्ष्य मिला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हड़प्पा काल में भी क्या है, सती प्रथा का जो है प्रकार देखने को मिलता है। चलिए, रोपड़ से मालिक के साथ कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य मिले, और रोपड़ जो है एक जगह है, वहां से मालिक के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिलता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कि लोथल से जो है युग्म समाधान, और रोपड़ जो है वहां पर मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। चलिए, लिपि के बारे में अगर बात करें तो मैंने अभी बताया कि इसकी लिपि जो है अभी पढ़ी नहीं गई है। चलिए, सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार करने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंगम थे, ठीक है। और सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास जो है एल ए वेंडल ने किया था, ठीक है। और सिंधु लिपि जो है भाव चित्रात्मक थी, ठीक है। पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास एल ए वेंडल ने किया था, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और सिंधु लिपि जो के चित्रों में मछली, चिड़िया, मानवाकृति आदि चित्र मिलते हैं, उन लोगों को जो मन करता था बना देते थे, ठीक है। हम लोग वही बना सकते हैं जो या तो हम कल्पना किए रहेंगे या तो हम देखे रहेंगे, ठीक है। हमारे मन में जो आएगा या फिर जो हम देखे रहेंगे वही हम बनाएंगे, वैसा ही वो लोग किए होंगे, ठीक है। तो चिड़िया, मछली, मानवाकृति ये सब चित्र बनाए हैं वो लोग। सिंधु लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है। कहाँ से दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। सिंधु लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है। और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम लोग बात करते हैं, उसके बाद इस जो है सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता जो है खत्म हो जाएगी, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक युग में रखा जा सकता है। प्राक ऐतिहासिक मतलब प्रो हिस्टोरिकल, प्रो हिस्टोरिकल में क्यों रखा जाता है, हिस्टोरिकल युग में क्यों नहीं रखा जाता? हिस्टोरिकल में इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि हिस्टोरिकल युग में सभी बातें हमको साक्ष्य के साथ पता है, उनको हम लोग पढ़ सकते हैं, उनकी लिपि को हम लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन इनके जो जो लिखी गई है इस युग में, जो लिखी गई है भाव चित्रात्मक ये लोग शैली है, उसको हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए इनको प्राक ऐतिहासिक युग में रखा गया है, ठीक है। जब इसमें पढ़ लिया जाएगा तब हम लोग हिस्टोरिकल युग में इसको रख देंगे, कहेंगे कि ये ऐतिहासिक है। कहते नहीं है कि ये ऐतिहासिक ग्रंथ है, ठीक है। कालिदास की कोई रचना को हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ है, क्यों? क्योंकि उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरी थे, ठीक है। द्रविड़ कहलाते थे और भूमध्य सागरी मुख्य निवासी, और सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सही बात है, गुजरात में ही खोजे गए हैं। आप लोग याद कर लीजिएगा, लोथल हुआ, ठीक है, सुतकोदड़ा जो मिला, ठीक है, जगह वहां पर घोड़े के साथ मिले, ये भी गुजरात में ही है। तो गुजरात में बहुत सारे स्थान खोजे गए, ठीक है। और महाराष्ट्र में दैमाबाद है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है। हाँ, तो याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। लोथल एवं सुतकोदड़ा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे, ठीक है। और ये बंदरगाह थे लोथल और सुतकोदड़ा। सुतकोदड़ा से घोड़े के साक्ष्य भी मिल चुके हैं, पहले नहीं मिले थे, अब मिल चुके हैं, तो इसलिए माना जाता है कि हड़प्पा जो वासी थे वो घोड़े से परिचित हो चुके थे, ठीक है। लेकिन शेर से ये लोग परिचित नहीं, शेर के साक्ष्य नहीं मिले हैं अभी तक, ठीक है। चलिए आगे बात करें। मन के बनाने का कारखाना लोथल एवं चन्हुदड़ो से प्राप्त हुआ है। मन के बनाने का कारखाना, मन के एक गहना है, ठीक है, एक गहना है फ्रेंड्स, जो औरतें जो है इस्तेमाल करती थी पहनने के लिए, ये लोथल और चन्हुदड़ो से प्राप्त। चन्हुदड़ो तो श्रृंगार की वस्तुएं यहाँ पर बहुत सारी मिली है, ठीक है, चन्हुदड़ो, लेकिन लोथल में भी मिला है, ठीक है। मन के बनाने का कारखाना चन्हुदड़ो में तो लिपस्टिक और कंघी, जूड़ा बांधने वाला, ठीक है, और बहुत सारे ऐसी चीजें मिली हैं चन्हुदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी, ये भी पूछता है फिर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य फसलें कौन सी थी इसमें से, ऐसे चार ऑप्शन दे देगा कि सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें हैं इनमें से, तो गेहूं और जौ थी, ठीक है।
तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती की पूजा उर्वरता की देवी के रूप में करते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी, मातृ देवी की, क्योंकि मातृ प्रधान सभ्यता थी ये। ठीक है, मातृ सत्तात्मक थी, देखिए आगे लिखा भी हुआ है। ठीक है, नगरीय सभ्यता थी, तो जैसा नगर में होता है, नगर में कौन होता है, औरतें जो होती है घर की मालकिन होती हैं। ठीक है, इसी तरह से हड़प्पा में भी, ठीक है, हड़प्पा में क्या होता था, मातृ सत्तात्मक थी, माताएं जो होती थी वो सत्ता में होती थी एक तरह से, ऐसा समझिए। ठीक है, इसीलिए उनकी पूजा होती थी। पर्दा प्रथा में वैश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी, पर्दा प्रथा था, ठीक है, पर्दा में रहना ये सब थी, वैश्यावृत्ति भी थी सिंधु प्रथा में, तो एक एक तरह का है। सती प्रथा भी कुछ जगह मिला है, जैसे लोथल में मैंने अभी बताया कि क्या होता था, कि युग में जोड़े में क्या होता था, दफनाया गया, एक साक्ष्य मिला है, और रोपड़ में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया हुआ साक्ष्य मिला है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं सती प्रथा भी था, ठीक है, कुछ जगह साक्ष्य मिले हैं, पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं, हड़प्पा कालीन स्थल की अगर बात करें, तो हड़प्पा की पहले अगर बात करें, तो रावी नदी के किनारे 1921 ईस्वी में रावी नदी के किनारे ये बसा हुआ था। सबसे पहली बात तो ये, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ था 1921 ईस्वी में, दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया। ठीक है, दयाराम साहनी द्वारा, ठीक है, और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खोजा गया, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। सर जॉन मार्शल जो थे उनके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने इसको खोजा। शंख का बना हुआ बैल, नटराज की आकृति का मूर्ति प्राप्त हुआ यहाँ से। पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्र यहाँ से मिला, मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ, सिर के बल खड़ी नग्न चित्री का चित्र, स्त्री का चित्र जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है, ऐसा प्राप्त हुआ है एक। ठीक है, तो यह ऐसा मिला है, तो इससे पता चलता है कि ये लोग मात्र सत्तात्मक थी यहाँ की सत्ता, और ये लोग क्या करते थे, माताओं की क्या करते थे, पूजा करते थे, और देवियों की पूजा करते थे ये लोग। ठीक है, देवियों की पूजा करते थे। चलिए आगे बात करते हैं, मोहनजोदड़ो की, तो सिंधु नदी के किनारे मिला, हड़प्पा जो था रावी नदी के किनारे था, और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे था। 1922 ईस्वी में राखालदास मनर जी द्वारा एक खोजा गया, भवन जो था इसका पक्की ईंटों द्वारा बना हुआ था। ठीक है, सीढ़ी का साक्ष्य मिला है, प्रवेश द्वार जो है गली में खुलता है। ठीक है, कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई, आप लोग बहुत जगह देखे होंगे, कहीं भी आप लोग अगर पढ़ते होंगे एंशियंट हिस्ट्री किसी भी बुक में, तो यह जो है मूर्ति आप लोग जरूर देखे होंगे, नर्तकी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है, मोहनजोदड़ो में कांसे की है। ठीक है, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, इसी से पता चला ये लोग कांसे से मतलब कांसे से ये लोग क्या थे, कांसे के ये लोग जानकार थे। ठीक है, तांबा और कांसा के, लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे, तो कांसे से ये लोग परिचित थे। कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, एक श्रृंगी पशु आकृति वाली मोहर प्राप्त हुई है, एक श्रृंगी पशु की, इसे मौत का टीला भी कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है कि मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, या फिर इसे मौत का टीला भी कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं बताता जा रहा हूँ, नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सभी एग्जाम में। तो मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है, इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, लोथल की अगर बात करें, लोथल जो है इसे भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। ठीक है, भोगवा नदी किनारे गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए, चावल एवं बाजरा के साक्ष्य मिले, चावल और बाजरा के साक्ष्य लोथल में ही मिले, और ये बंदरगाह भी था। चावल के साक्ष्य जब यहाँ से मिले, तो हम लोगों ने जाना कि हाँ ये लोग चावल से परिचित थे। ठीक है, और दो मुंह वाले रावण राक्षस के अंकन वाली मुद्रा प्राप्त हुई, पंचतंत्र के चालाक लोमड़ी का अंकन प्राप्त, ममी का उदाहरण प्राप्त, ठीक है, बत्तख बारहसिंगा गोरिल्ला के अंकन वाली मुद्रा प्राप्त। कालीबंगा की अगर बात करें, घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट कालीबंगा है, आप लोग जरूर याद कर लीजिए, घग्गर नदी के किनारे स्थित है राजस्थान में। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। ठीक है, काली चूड़ियां, प्राक हड़प्पा एवं विकसित हड़प्पा
दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए यहाँ से। प्राक हड़प्पा मतलब पहले के हड़प्पा, जब हड़प्पा अब देखिए शुरू में ही थोड़ी ना विकसित हो गया हो हड़प्पा, ठीक है। 2350 से 1750 ईस्वी तक हड़प्पा सभ्यता का काल रहा है, ठीक है। तो शुरू शुरू में तो ये लोग भी गांव के जैसे ही रहते होंगे ना, तो प्राक हड़प्पा, उसके बाद धीरे धीरे घर बनने लगे होंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मतलब विकसित हड़प्पा, इन सभी के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं कालीबंगा से, ठीक है। जूते हुए खेत यहाँ पर मिले हुए हैं और सरसों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जूते हुए खेत यहाँ से मिले हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये लोग क्या थे, हल से, जो हल किसान यूज करते हैं, ठीक है, उपयोग में लाते हैं जुताई करने के लिए खेतों का, उनसे ये लोग परिचित थे, ठीक है। लेकिन ये लोग लोहे से अभी परिचित नहीं थे, जो हल था वो लकड़ी का बना हुआ होगा ऐसा हम लोग कह सकते हैं, या किसी और धातु का बना होगा, ठीक है। एक सींग वाले देवता के साक्ष्य प्राप्त हुए, कपास के छेद वाले बालक का शव प्राप्त हुआ, शल्य चिकित्सा, शल्य क्रिया का उदाहरण बहुत ही हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। कपाल में छेद वाले बालक का शव प्राप्त। चलिए चंदूदड़ों का अगर देखें, मन के बनाने का कारखाना यहाँ से मिला है। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं, ठीक है। बनावली की अगर बात किया जाए, बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, हिसार हरियाणा में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अभी जो है हिसार जिला नया नाम है, वहाँ पर बनावली जो है स्थित था, ठीक है। अच्छे किस्म के जौ की प्राप्ति हुई है, जौ की, ठीक है। पूछता है कि मुख्य फसलें कौन थी, तो चावल और जौ थी, ठीक है। तो हल की आकृति वाला खिलौना प्राप्त हुआ है, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि लोग हल से जो है परिचित थे। रोपड़, रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे स्थित था पंजाब में, मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, कहाँ पर, रोपड़ में। और लोथल, लोथल में क्या मिला था साक्ष्य, वहां पर युग में मतलब जोड़े में जो है शवों को दफनाने का साक्ष्य मिला था, जिसको कि सती प्रथा कहा गया था विज्ञान के अनुसार, ठीक है। धौलावीरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुजरात के भरूच जिले में स्थित है, ठीक है, धौलावीरा। और जल प्रबंधन के लिए 16 जलाशयों की प्राप्ति हुई है, ठीक है। जल प्रबंधन के लिए मतलब इतना ये लोग आगे थे कि जल प्रबंधन का भी ये लोग विचार कर लिए थे, ठीक है। सुरकोटदा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से ही कच्छ में स्थित है। पहली बात तो ये कि गुजरात के कच्छ में स्थित है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य मिले हैं। सोच लीजिए आप लोग कितना ये लोग विकसित थे कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग करने भी ये लोग मतलब जाते थे। अब बताइए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य मिले हैं और घोड़े की अस्थियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण रहे होंगे, वैसे तो कोई निश्चित कारण नहीं है, लेकिन बहुत सारे कारण माने जाते हैं। जैसे कि उसमें से कुछ मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे कि पारिस्थितिक असंतुलन जो है, ठीक है, जैसे जल प्लावन, शुष्कता, जैसे घग्गर नदी जो था उसका सूखना, ठीक है, बाह्य आक्रमण भी कुछ लोग मानते हैं, ठीक है, कि आर्य आ गए थे, आर्य लोग, और उन्होंने आक्रमण कर दिया, इसके कारण नदी मार्ग में परिवर्तन हो गया, प्रशासनिक शिथिलता, बाढ़ का आना, जलवायु में परिवर्तन, ये सब कुछ कारण हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा माना जाता है कि बाढ़ आ गया था, ठीक है, और कुछ लोग मानते हैं बाह्य आक्रमण, ठीक है, दो जो है सबसे अधिक प्रचलित है, सबसे अधिक बाढ़ आना माना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा कालीन नगरों का क्रम जो सबसे बड़ा जो था वो मोहनजोदड़ो था, ठीक है। सबसे बड़े नगर कौन कौन से थे हड़प्पा कालीन नगरों में, तो मोहनजोदड़ो जो था वो सबसे बड़ा था, उसके बाद हड़प्पा, उसके बाद धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा जो गुजरात में है, उसके बाद कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा, उसके बाद जो धौलावीरा है भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है, ठीक है, धौलावीरा जो कि गुजरात में है। तो यहीं पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। हड़प्पा कालीन नगरों को भी मैंने बता दिया, कोई चीज मैंने छोड़ा नहीं है फ्रेंड्स। जहां से भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे आईएएस लेवल का एग्जाम हुआ, ठीक है, वहां पर भी आप लोग कर जाएंगे, प्री का एग्जाम हुआ वो तो कर ही ले जाएंगे मेरे ख्याल से, अगर मेंस का भी आया तो कुछ, अगर आप लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़े होंगे और इसका भी मिक्स करके आप लोग चाहे थोड़ा बहुत लिख सकते हैं मेरे ख्याल से, अपना दिमाग यूज करके, ठीक है, और नहीं तो प्री का तो निकल ही जाएगा,
और एसएससी का एग्जाम तो कोई बात नहीं है, एसएससी में तो एकदम पूरा एकदम निकल ही जाएगा, सीजीएल सीएचएसएल हुआ, ठीक है। अभी जो रेलवे का एग्जाम आने वाला है एनटीपीसी का, ठीक है, फॉर्म डाले जा रहे हैं, ठीक है, और ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोग फॉर्म डालिए, 12 तारीख तक लास्ट डेट है, ठीक है, तो उसको भरिए आप लोग और जम के तैयारी कीजिए, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। चलिए लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैदिक पीरियड, ठीक है, वैदिक काल। चलिए बाय बाय, और वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आए तो, और शेयर करते रहिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।